मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पत्नी की बेवफाई से आहत होकर पति ने पत्नी समेत दो मासूम बेटों की हत्या कर दी और खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पत्नी और बच्चों का शव किराए के मकान में मिला, जबकि पति का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने CCTV और फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा किया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नजीराबाद स्थित हरदौल बाबा मंदिर के पास महिला और उसके दो बेटों की हत्या कर दी गई थी, जबकि पति का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मुआयना किया और जांच पड़ताल भी तेज की गई। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के सतना का है। परिवार एक दिन पहले ही यहाँ किराए के मकान में रहने नजीराबाद आया था। राकेश चौधरी, जो तिघरा गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने नजीराबाद हरदौल बाबा मंदिर के पास किराए पर मकान एक दिन के लिए लिया था। मंगलवार को पत्नी संगीता 28 वर्ष और दो बेटे निखिल 8 वर्ष और ऋषभ 6 वर्ष के साथ यहां रहने लगा। बुधवार की सुबह जब कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई तो मकान मालकिन चंदा देखने पहुंची। यहां संगीता और दोनों बच्चों का शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना कोतवाली को रेलवे प्रशासन की ओर से भी सूचना मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति के शव रेलवे ट्रैक के पास से बरामद किया गया है। जांच पड़ताल में पता चला कि मृतक का नाम राकेश चौधरी है और इसका विवाह मृतका संगीता वर्मा के साथ करीबन 10 वर्ष पहले हुआ था, जो शादी के बाद से तिघरा में रह रहे थे। शादी से उनके दो बेटे थे, निखिल 8 साल और ऋषभ 6 साल। मृतिका संगीता वर्मा शादीशुदा होने के बावजूद किसी शख्स से मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करने लगी थी। उन दोनों की नज़दीकियां भी ज़्यादा हो गई थी। मृतक राकेश चौधरी अपनी पत्नी संगीता चौधरी के इस तरह से दूसरे व्यक्ति से प्यार करने और लगातार उससे मोबाइल फ़ोन पर बात करने को लेकर मृतक राकेश चौधरी द्वारा ही धारदार हथियार से पत्नी संगीता चौधरी व दोनों बच्चे की हत्या कर दी गई थी और खुद भी जान दे दी। और उसके दो बेटे ऋषभ चौधरी और निखिल चौधरी का उसके हत्या का आज पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना करके उसका खुलासा किया गया। उसके पति की भी जो लाश थी वह रेलवे ट्रैक पर जो है वो कटी हुई मिली थी। जांच के अनुक्रम में यह पाया गया है CCTV साक्ष्यों के अवलोकन से एवं फॉरेंसिक का साक्ष्यों के अवलोकन से कि पति जो है वो अपनी पत्नी के किसी अन्य के साथ में बातचीत करने और उसके साथ में लगातार भाग जाने से दुष्ट था और उसके द्वारा इन तीनों की हत्या करने के बाद में रेलवे ट्रैक पर जाकर के आत्महत्या कर दी।